नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीबीएसई की तर्ज पर रद्द होंगी जमा दो की एचपी बोर्ड की परीक्षाएं, सीएम ने दिए संकेत। नूरपुर में पानी की किल्लत से लोग परेशान, कांग्रेस ने पानी के टैंकर भेजकर दी राहत। हर घर से लिया जाएगा कोरोना का सैंपल, पंचायतों में चलेगा विशेष अभियान। कोरोना महामारी के चलते 128 कैदियों को मिलेगी पैरोल, केंद्रीय कारागार नाहन ने उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। सुहारी पंचायत के मढ़ाठू गांव में कई महीने से नहीं आ रहा पानी, जेब ढीली कर पानी का टैंकर मंगवाने को मजबूर। बिलासपुर में चिट्टे संग दो युवक गिरफ्तार, गाड़ी की तलाशी के दौरान बरामद हुई नशे की खेप। और अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई के बाद अब एचपी बोर्ड जमा दो की परीक्षाएं भी रद्द होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और इस दिशा में विचार चल रहा है। हालांकि परीक्षाओं को लेकर क्या किया जाना है, इस बारे में 5 जून को कैबिनेट की बैठक में तय होना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में परीक्षाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। गर्मियां शुरू होते ही नूरपुर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। उपमंडल के ममहू गुरचाल क्षेत्र में भी इन दिनों हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां लोगों को कई दिनों तक पानी नसीब नहीं हो रहा, लिहाजा लोगों की समस्या को देखते हुए नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने इस इलाके में 4 टैंकर भेजकर लोगों को राहत दी है। साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध भी जाहिर किया है। वहीं इस बारे में गांव के लोगों का कहना है, यह समस्या आज की नहीं है, काफी समय से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है, कई मर्तबा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं इस बारे में नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा, लोगों की समस्या को देखते हुए इस इलाके में पानी के टैंकर भेजे गए हैं, साथ ही विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस लोगों की समस्या सुलझा सकती है तो फिर सत्ता में बैठी सरकार क्यों नहीं। तो हमने आज वाटर टैंक दिया है, ये हमारा एक संकेतिक विरोध है। ये जो बहरी सरकार है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से यह पानी नहीं आ रहा, गर्मियों के दिन है और हर दरवाजा ने खड़काया, पर इसका कोई भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो आज हमने जो पार्टी ने फैसला किया और सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हमने कहा कि ये हम, मेरे साथ दीपू जी हमारे जिला परिषद के मेंबरान हैं, महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सेवा दल महिला की प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के प्रधान भी हैं, एक्स प्रधान भी हैं, मतलब कुशवंत जी और बाकी हमारे साथी हैं, हमने जगदीश जी हैं, हमने ये हमने सोचा कल कि ये जो सरकार, जब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे विरोध करते हैं। वो करते हैं कि कभी खाली घड़े रख देते हैं, खाली बाल्टियां रख देते हैं, नारे लगाते हैं। हमने कहा जी, अब ये नया ढंग दिखाएंगे, हम लोगों को पानी देंगे कि सरकार को समझ आए कि हम, अगर हम पानी दे सकते हैं, वो क्यों नहीं देते। और आज की डेट में नूरपुर चुनाव क्षेत्र में पानी की वो समस्या है कि मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता। करसोग के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की सही तस्वीर सामने लाने के लिए वीरवार से विशेष अभियान चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर कोरोना का एक एक सैंपल लेंगी। इसके लिए हर पंचायत में मिनिमम 100 सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गांव-गांव में फैल चुके कोरोना संक्रमण की सही जानकारी मिल सके। इस बारे में SDM सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कोरोना सैंपल लेने के लिए पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है, जो संबंधित पंचायतों में लोगों को कोरोना जांच में सहयोग करने के लिए मोटिवेट करेगी। कोरोना सैंपलिंग के लिए BMO करसोग की तरफ से पंचायत वाइज शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसी हिसाब से विकासखंड के किसी न किसी पंचायत में रोजाना कोरोना सैंपलिंग होगी। ये विशेष अभियान 20 दिन तक चलेगा। कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैदियों को पैरोल पर भेजने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन प्रशासन ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय कारागार नाहन प्रशासन 128 कैदियों को पैरोल देने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन के जेल अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा, केंद्रीय कारागार नाहन से 128 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नाहन जेल में
में कुल 478 कैदी मौजूद हैं, जिसमें 200 विचाराधीन बंदी एवं 278 सजा याफ्ता कैदी हैं। केंद्रीय कारागार नाहन में आज 278 प्रिजनर्स बंद हैं, जिसमें से 200 विचाराधीन बंदी हैं और 278 जो हैं वो सजा याफ्ता बंदी है। कोरोना महामारी के चलते हाई पावर कमेटी ने जो निर्देश विभाग को और इस कार्यालय को दिए हैं, उसमें से उस पर अमल करते हुए हमने 13 प्रिजनर का ऑलरेडी पैरोल एक्सटेंड कर दिया है। इसमें हमारे 32 प्रिजनर्स पैरोल पे हैं, जिसमें से 13 बंदियों का पैरोल एक्सटेंड कर दिया है और बाकियों का जो मामला है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के विचाराधीन है। साथ ही 71 प्रिजनर का पैरोल मामला डीजी प्रिजन्स को सैंक्शन के लिए भेजा है और बहुत जल्दी जो है इनका पैरोल मामला स्वीकृत होकर हमारे पास आएगा। तो जैसे ही स्वीकृति मिलेगी इन बंदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। उप तहसील जोल के अंतर्गत आती पंचायत सोहारी के गांव मढ़ाटू में कई महीनों से पेयजल संकट गहराया है। शिकायत के बावजूद जल शक्ति विभाग समस्या का निदान नहीं कर पाया है। ऐसे में ग्रामीणों को अपनी निजी गाड़ी व टैंकर से पेयजल मंगवाना पड़ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को सोहारी से बहुड़ा रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद पंचायत प्रधान मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। प्रधान ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है जल्द ही उनकी समस्या का विभाग से हल करवा दिया जाएगा। वहीं जल शक्ति विभाग अंब के अधिशासी अभियंता होशियार सिंह ने बताया 1 से 2 दिन के भीतर ही इनकी पाइपलाइन का कार्य शुरू करके समस्या का निदान कर दिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने लखनपुर में 2 युवाओं से 140 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने बुधवार को मुख्य आरक्षी अनिल कुमार की अगुवाई में लखनपुर के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर एक कार को तलाशी के लिए रोका। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो सवार युवाओं से 140 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों में हिमांशु निवासी डियारा सेक्टर व रघुवीर सिंह निवासी डियारा सेक्टर बिलासपुर के नाम शामिल है। एसपी दिवाकर शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।